बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाशमी वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये बात तो कम वेश सब ही जानते हैं कि सबसे पहले इंसान सय्यदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब सवाल पैदा होता है कि इंसान से पहले क्या था और अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार मखलूक में सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया। आइए इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में हासिल करें, क्योंकि मुसलमान की रहनुमाई के लिए रोशनी के यही दो मीनार हैं। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक तुम उनको पकड़े रहोगे यानी उन पर अमल करते रहोगे तो हर किस गुमराह न होंगे। एक अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान मजीद, दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। लिहाजा आइए हम सबसे पहले कुरान करीम से रहनुमाई हासिल करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल के व्यूवर्स बनना चाहते हैं और इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियोस से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचती रहे। आज की इस वीडियो में आपके इल्म में इस बात का भी इजाफ़ा किया जाएगा कि जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में आए तो आपके आने से क़बल इस दुनिया में कौन सी मखलूक़ात रहती थी और इस दुनिया का निज़ाम कैसे चलता था। तो आइए इस वीडियो की इब्तिदा कुरान करीम से करते हैं। सूरह हूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और वही है जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिनों में पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था। यानी आसमान और ज़मीन की पैदाइश से पहले पानी पैदा किया गया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, और हमने पानी से हर जानदार को बनाया। सूरह हामीम सजदा पारा नंबर 24 में आसमानों ज़मीन वग़ैरह की तख्लीक़ात का ज़िक्र तफसील से बयान किया गया है, जिसका ख़ुलासा आपके सामने पेश किया जा रहा है। हाशमी वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़मीन और उसके मुतालिक चीज़ें ये सब 4 दिन में अल्लाह ताला के हुक्म से मुकम्मल हुई। 2 रोज़ में ज़मीन बनाई गई और 2 रोज़ में इसके मुतालिक यानी ज़मीन में किस्म किस्म के दरख्त, मेवे, फल, गल्ले, हैवानात, नबातात और काने वग़ैरह पैदा फरमाई। ज़मीन और उसके मुतालिक अशिया की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने आसमानों की तरफ तवज्जो फरमाई। आसमान के वजूद में आने से पहले सारा खला धुएँ की तरह था। इससे अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए और फिर आसमान और ज़मीन के मेलाप से दुनिया बसाई गई। आसमान से सूरज की शुआएं आईं, गर्मी पड़ी, हवाएं उठी, उससे गर्द और भाप ऊपर उठी और फिर पानी बनकर बरसा, जिसकी बदौलत ज़मीन से तरह तरह की चीज़ें पैदा हुई। ज़मीन और आसमान के मुतालिका ये तमाम काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 दिन में मुकम्मल फरमाए, जैसे कि फ़रमाया गया, इन्ना रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी 6 अय्याम। सूरह यूनुस आयत नंबर 3। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को पानी के ऊपर रखा तो ये ज़मीन हिलने लगी। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या किया, आइए हम हदीस की रोशनी में आपको बता देते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को पैदा फरमाया तो हिलने और हरकत करने लगी। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा फरमा कर ज़मीन पर रखा तो ज़मीन की हरकत बंद हो गई। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को पैदा फरमाया तो ये जंबश और हरकत करने लगी। तो अल्लाह ताला ने उसकी जंबश को रोकने के लिए पहाड़ों से मेखों का काम लिया। अगर अल्लाह ताला ये इंतज़ाम न फरमाते तो ज़मीन हमेशा जुम्बिश ही करती रहती। ज़रा तसव्वुर करें कि किसी जगह ज़लज़ला आता है तो उस वक़्त क्या हालत हो जाती है। मौका मिलता है तो लोग जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर जंगलों बयाबान में निकल भागने की फ़िक्र करते हैं, और अक्सर तो ऐसा होता है कि भागने का मौका ही नहीं मिलता। लोग सोते सोते लुक़माए अजल बन जाते हैं। अगर अल्लाह ताला ज़मीन की जुम्बिश रोकने के लिए पहाड़ों को उस पर कायम न फरमाते तो क्या होता। हाशमी वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुनिया की इब्तिदा कैसे हुई। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि यमन के कुछ लोग खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इल्म दीन सीखने के लिए हाज़िर हुए। उन लोगों ने और बातों के अलावा आप ख़ातमुन्नबिय्यीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये भी दरियाफ़त किया कि इस आलम की इब्तदा कैसे हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के वजूद से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात थी, इससे पहले कुछ न था और अर्श खुदावंदी पानी पर था। इसके बाद उसने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया और लोहे महफूज में हर चीज़ को लिख कर महफूज कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि जनाब ख़ातमुन्नबिय्यीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन के वजूद से 50,000 साल क़बल जुमले मखलूक के लिए जो भी मुक़द्दर कर दिया था उसको लोहे महफूज में जमा कर दिया था और आसमान और ज़मीन से पहले अर्श खुदावंदी पानी पर था। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमा कर उसको हुक्म दिया, लिख। कलम ने दरियाफ़्त किया, क्या लिखूँ? हक़ ताला शानहु की तरफ से हुक्म हुआ, जो कुछ क़यामत तक मुक़द्दर होगा वो सब कुछ लिख। तो उसने क़यामत तक जो कुछ होने वाला था सब लिख दिया। हाशमी वॉइस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में आने से क़बल इस दुनिया में कौन सी मखलूक रहती थी और इस दुनिया का निज़ाम कैसा था? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया में आने से क़बल इस दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त, मेवे, फल, गल्ले, हैवानात, नबातात और मुख्तलिफ़ किस्म के हैवानात और जानवर वग़ैरह रहते थे। और ख़ास तौर पर इस दुनिया में कई हज़ार साल तक जिन्नात ने हुकूमत की, जैसे कि हदीस में आया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि पहले ज़मीन पर जिन्नात कई हज़ार साल तक हुकूमत करते रहे, सब ज़मीन पर काबिज़ थे, हैवानात नबातात से नफ़ा उठाते और आसमान पर आते जाते थे। फिर जिन्नात ने फसाद मचाना शुरू कर दिया, खून रेज़ी शुरू कर दी और फिर परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने आसमानी दुनिया के फरिश्तों को हुक्म दिया कि जिनों को ज़मीन से दूर करो ताकि उनकी आलूदगी से ज़मीन पाक हो जाए। फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के मुवाफ़िक जिनों को मार मार कर पहाड़ों, जंगलों और जजीरों में पहुंचा दिया। हाशमी वॉइस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ न कुछ मालूमात हासिल हो चुकी होंगी। तो इसी तरह इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात, हिकायात सहाबा, बुज़ुर्गान दीन और औलिया कराम के ईमान अफरोज़ वाक़यात, आइम्मा कराम के हालात, सबक आमोज़ कहानियाँ, क़यामत, जन्नत जहन्नुम और मौत और क़ब्र के मुतालिक मालूमात और इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारा ये चैनल आपके लिए मुफीद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए इजाज़त। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।